हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें आपके कोर कोर्सेज जो मेन सब्जेक्ट्स हैं CC 1, 2, 3 और 4 के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 2023 से पहले के, 22 के और फिर 19 और 2018 के पहले से अपलोड हैं। बीच में जो आपके ईयर हैं 2020 और 21, उसमें फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया गया था, जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, तो उनके क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं हैं। तो आपके 2018, 2019, 2022 के क्वेश्चन पेपर पहले से अवेलेबल हैं और ये 2023 के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे। सबसे पहले CC 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 नंबर्स का, 3 आवर्स का आपका टाइम रहेगा इसमें और 3 सेक्शन में पेपर, पहले के जैसे 3 सेक्शन में होता था वैसे ही हमेशा की तरह इस बार भी रहा। लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आपको चॉइस भी दी जाती है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप में सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चंस चूज कर करना है। सबसे पहले दिया है वैदिक काल का सामान्य विवरण देते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, और दूसरा इसके साथ चॉइस में है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके साथ ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से आपको जो आता है आप कर सकते हैं, जैसे कि जो शुरू का ही आपका यूनिट है जिसमें वैदिककालीन, बौद्धकालीन और मुस्लिमकालीन शिक्षा के बारे में बताया गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही करना है। उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी शॉर्ट भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। जैसे यहाँ आपने देखा वैदिक काल आया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका वैदिक शिक्षा प्रणाली व बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। इसके साथ चॉइस में है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। थर्ड है आपका मैकाले का विवरण पत्र, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकाले का विवरण पत्र मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, इसके साथ उच्च शिक्षा स्तर की विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए और उसके उचित समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप जैसे नॉर्मली देख भी रहे हैं ना, स्कूल लेवल पर या हायर लेवल पर प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं आप देख पाते हैं, कि करिकुलम से रिलेटेड हो या क्लासरूम से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड हो या जो भी कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, कई सारे हो सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक, तो हम देख रहे हैं ना अपने आसपास, समझते भी हैं कि जैसे क्लासरूम नहीं चल रही हैं, स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप इसको तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो और आइडिया मिल जाएगा, कॉन्टेंट लिखने के लिए पता चल जाएगा और इसे आप अपने आप भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इस बारे में। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों का वर्णन, ये इम्पोर्टेंट है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। हमारे देश के लिए माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण अपरिहार्य है, क्यों? आप ये नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया तो कोई बात नहीं, और भी चॉइस में है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अपनी जो भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका नवोदय विद्यालय से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, अध्यापक शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के विषय में लिखिए। अब ये वाली जो यूनिट है लास्ट में आपके, जहाँ आपकी सारी स्कीम्स दी हुई हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, कस्तूरबा गांधी है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, तो आपको इनको भी पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, विश्वविद्यालय स्वायत्तता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखा भी जा सकता है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, वर्धा एजुकेशन स्कीम, ठीक है, जो गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। सबसे पहले अध्यापक शिक्षा में अलगाव के प्रत्यय की परिभाषा, आइसोलेशन इन टीचर एजुकेशन। फिर आगे उच्चतर शिक्षा आयोग के 2 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, उच्चतर शिक्षा आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जो हायर एजुकेशन के लिए बॉडी है, वर्क करती है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या करिकुलम है इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है फंड देने में, तो UGC इस तरह के कई सारे काम करती है। तो आप लिख भी सकते हैं 2 ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो रिसर्च को प्रमोट करना इनका उद्देश्य होता है और
क्वालिटी एजुकेशन इनका उद्देश्य है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मुस्लिमकालीन शिक्षा की दो विशेषताएं, देखिए मुस्लिमकालीन आ गया, फर्स्ट यूनिट आपको इंपॉर्टेंट बताई हुई है। इसके बाद NCTE और डाइट की फुल फॉर्म पूछी है, तो NCTE ही नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है और डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आगे आपका है मीनिंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो आपके जहाँ पे आप मैकाले पढ़ेंगे उसके बाद ही तुरंत आपको ये फिल्ट्रेशन थ्योरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की दो विशेषताएं पूछी हैं, तो आप सभी को, क्योंकि एजुकेशन में हैं आप, तो आपको कम से कम पुराना नहीं तो ये इतना रीसेंट है, तो NEP 2020 की आपकी आपको विशेषताएं ज़रूर पता होनी चाहिए कुछ, वैसे भी आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। आगे दो फंक्शन लिखने हैं NCTE के, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन क्या क्या कार्य करता है, तो ये अच्छा है क्वेश्चन, आप इनको भी देखें, है ना, कम इनका मतलब है जैसे देख, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इन्होंने नई अप्रोच अपनाई है लगभग दो बार से कि NCTE, UGC, NCERT, डाइट, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट आपका बालिकाओं की शिक्षा के शैक्षिक समस्याओं को लिखिए, ये आप लिख सकते हैं खुद से भी, है ना। आगे देखिए, अब ये पूछ लिया NAAC, NAAC ये क्या करते हैं, एक्रेडिटेशन देते हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को ग्रेडिंग देते हैं। आपने कभी देखा हो कि लिखा होता है कॉलेज पे A+ ग्रेड मिला हुआ है, या जैसे यूनिवर्सिटी को फिलहाल में A++ ग्रेड मिला है, वो NAAC की विजिट हुई थी, NAAC ने क्या किया था, इवेल्युएट किया था, असेस किया था, वो पीयर टीम आई थी, ठीक है, जिन्होंने सारी की सारी व्यवस्थाएँ देखी और यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड दिया, ठीक। राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, जो वर्धा योजना है उसमें बुनियादी शिक्षा की ही बात की गई थी, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। वैसे ये बुनियादी शिक्षा पूरा टॉपिक है सेकंड ईयर में। पेपर है आपका C2 का, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, 3 आवर्स में कंप्लीट होगा, 3 सेक्शन सेम वैसे ही रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक। जैसे कि लॉन्ग में आपको चॉइस मिली थी, हर एक पेपर में वैसे ही चॉइसेस रहती हैं कि 3 क्वेश्चंस होंगे और तीनों में चॉइसेस होंगी कि दोनों में से कोई एक करना है। जैसे कि सबसे पहले दिया है, शिक्षण के विभिन्न माध्यमों की विशेषताओं व उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए, समय के साथ शिक्षण के विभिन्न माध्यमों में कैसे विस्तार आता है। सेकंड आपका ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रत्यय को समझाइए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ज्ञान के विभिन्न स्रोत, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉन डीवी के खोज के सिद्धांत के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित उनके ज्ञान मीमांसीय विचारों की व्याख्या कीजिए, कि जॉन डीवी के एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियाज़ को आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, श्री अरबिंदो घोष के शैक्षिक दर्शन में एकीकृत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसकी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आवश्यकताओं को समझाइए। अब यहाँ पे इस पेपर में कुछ ऐसे दिए होंगे आपको फिलोसफर्स, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये आपको 2-3 कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, कोई ना कोई एक फिलोसफर ज़रूर आ जाएंगे, और आपके वेस्टर्न में से भी, जैसे जॉन डीवी हैं, कोई और भी। नेक्स्ट है आपका आधुनिकीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शिक्षा आधुनिकीकरण में किस प्रकार सहायक है, और इसमें चूजिंग में है आपका ऑप्शन में समकालीन भारतीय समाज में प्रचलित मूल्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, तो यहाँ आपकी 4 क्वेश्चन सेम उसी तरीके से करने हैं, 8 क्वेश्चन है, कोई 4 करने हैं। पहला, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ये आपको बताना है, इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान सूचना एवं कौशल से किस प्रकार भिन्न है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए, ये जो हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा है यही बुनियादी शिक्षा है, और इसी की बात वर्धा योजना में हुई थी, जो कि हमने पिछले पेपर में अभी देखा है ना, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, कि बच्चे कुछ सीखें जिसका यूज़ वो अपने लाइफ में कर सकें, कि कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाना आना चाहिए अपने लोकल के हिसाब से, जिसको वो बेचकर कुछ अर्न कर सकें, ऐसा, ठीक है, जब वो पढ़ रहे हैं उसी दौरान, ऐसे इनका कुछ मानना था। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय समाज में मूल्यों के हस्तांतरण में आने वाली बाधाएँ कौन कौन सी हैं, ये अच्छा है। नेक्स्ट है आपका विश्व में शांति की स्थापना हेतु शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए, धर्म निरपेक्षता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका, और है आपका राष्ट्रीय एकीकरण से क्या अभिप्राय है।
नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 8 कोई क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका, शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक कौन से हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। नेक्स्ट आपका, मूल्यों के स्रोतों के बारे में बताइए, तो सोर्सेज ऑफ वैल्यू आप बताएंगे। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश, किसका अध्ययन है, तो सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपके वेरी शॉर्ट में आप ध्यान रखना, सिर्फ लिखने के लिए नहीं आएगा, ये भी आ सकता है कि इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या फिर मैचिंग कोई आ गई, वन वर्ड में लिखने के लिए आ गया, किसी बुक के नाम को पूछ लिया, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान से संबंधित है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद नॉलेज, उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट है, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड, ऑप्शन है यहाँ पर ए बी सी डी, प्रैग्मेटिस्ट, आइडलिस्ट, रियलिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिस्ट, इनके द्वारा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको लगता है वो आपको आंसर करना था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन, तो एडुकेशन किससे आया है, तो ये सेकंड ऑप्शन है, एडुशियर से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, आपको सही आंसर बताना है। और आगे है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज की आधारभूत इकाई क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, परिवार होता है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा की बात किसने की, तो वो बात की है रूसो ने। आगे है, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, औपचारिक विधि का उदाहरण बताइए, जैसे कि शिक्षा औपचारिक रूप से कहाँ से मिलती है, तो फॉर्मल आपको मिलेगी कहाँ, स्कूल से। ठीक है, और इनफॉर्मल मिलती है आपको फैमिली से, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट पेपर है आपका CC3 और उसके बाद CC4, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल आप ये देखें, और कल आपके पास आ जाएगी सेकंड पार्ट इसका, तो वो आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, वीडियोस वैसे जो प्रीवियस ईयर के पहले से अवेलेबल हैं, फाइल्स की वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।